वेलकम बैक टू माई चैनल माइने में सुगंधा शर्मा आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ की टॉप एट जॉब वैकेंसीज के बारे में इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर मैन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए टेंथ पास ट्वेल्थ पास इन ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जॉब वैकेंसी में अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है लेकिन अगर आप टेंथ पास हैं या ट्वेल्थ पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल जॉब वैकेंसीज होंगी यानी एक से ज्यादा जॉब वैकेंसी होगी सेम वे अलग अलग जॉब में एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग है लेकिन अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच में है अगेन आपके लिए यहाँ पे एक से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज होंगी हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली जॉब वैकेंसी के साथ जो है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जिसमें कांस्टेबल के पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फोर प्लस हैं और कांस्टेबल के पोस्ट के लिए कोई भी टेंथ पास अप्लाई कर सकता है सब इंस्पेक्टर के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है यहाँ पे एज मांगी गई है एटीन से ट्वेंटी के बीच में एस सी एस टी एंड ओबीसी को एज क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन होता है वो मिलेगा देखिए वैसे तो इसके फॉर्म फिफ्टींथ अप्रैल से स्टार्ट होंगे तो अभी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे पाऊंगी लेकिन जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तब मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी और अभी ये ऑलरेडी इंप्लायमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका था तो मैंने इसको वीडियो में कवर कर लिया अगर आप आर पी एफ ज्वाइन करना चाहते हैं यानी रेलवे पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर पाए सेकेंड जॉब वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की पोस्ट पे जिसमें ग्रेड वन एंड ग्रेड थ्री टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं इसके फॉर्म्स अभी कल ही शुरू हुए यानी नाइन्थ मार्च को यहाँ पे ग्रेड वन में 1092 वैकेंसीज हैं टू वैकेंसी है ग्रेड थ्री में हैं। यानी टोटल नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी इसमें रहेंगी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेड थ्री के लिए इसमें मांगा गया है कि आपने मिनिमम टेंथ पास किया है जिसके बाद आपने आई डिप्लोमा किया है और ग्रेड वन के लिए मांगा गया है कि आपने अपना ट्वेल्थ या तो पी के साथ क्लियर किया है या आप, आपने अपना ग्रेजुएशन साइंस या इंजीनियरिंग में किया है या आपके पास साइंस या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है ट्वेल्थ के बाद तो ये इसकी ग्रेड वन की रिक्वायरमेंट है ग्रेड वन के लिए एज मांगी गई है एटीन से थर्टी सिक्स और ग्रेड थ्री के लिए मांगी गई है एटीन से थर्टी थ्री अक्सर सरकारी नौकरियों के लिए ट्वेंटी एट या थर्टी के बाद कोई जॉब बचती नहीं है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने टेंथ या ट्वेल्थ क्लियर किया है टेक्निकल साइड से तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए इसके लिए जो अप्लाई करने का लिंक है ये वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ रिक्रूटमेंट आर आरबी डॉट आई एन पे आपको ये मिल जाएगा नाइन्थ मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं एट्थ अप्रैल इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है थर्ड जॉब वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से जिसको फेज ट्वेल्थ एग्ज़ाम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम नहीं है दूसरे एस के एग्ज़ाम्स की तरह बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता लेकिन ये कॉमन एग्जाम होता है वैसे एस के जो फॉर्म्स निकलते हैं टेंथ पास के लिए अलग निकलते हैं ट्वेल्थ पास के लिए अलग निकलते हैं ग्रेजुएट्स के लिए अलग निकलते हैं ये एक ऐसा फॉर्म है जो कंबाइंड निकलता है यानी इस फॉर्म के लिए टेंथ पास ट्वेल्थ पास एंड ग्रेजुएट्स तीनों अप्लाई कर सकते हैं एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे टेंथ पास जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए जो ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए एंड ग्रेजुएट्स की एज 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है एस सी एस को वो भी यहाँ पर मिलेगा इसके फॉर्म्स 26 फेब से स्टार्ट हुए थे और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 मार्च है यानी एटींथ मार्च इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि टेंथ पास ट्वेल्थ पास एंड ग्रेजुएट्स एक ही फॉर्म कैसे भर सकते हैं एक ही पेपर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है उसके कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं आपको पता होगा एस का काम ही ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्रेट्रिएट है उसके लिए वैकेंसीज निकालना सो so, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वैकेंसीज़ निकलती है जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी जैसे जो टेंथ पास होगा उसके लिए लोअर लेवल की क्वालिफिकेशन वाला एग्जाम होगा ट्वेल्थ पास के लिए थोड़ा अपर होगा ग्रेजुएट्स के लिए थोड़ा और ऊपर होगा तो so, जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज़ होती हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू फिल की जाती हैं इसमें स्टेनोग्राफर लोअर डिवीजन क्लर्क अपर डिवीजन क्लर्क असिस्टेंट इस तरीके के जो फॉर्म्स हैं वो इसमें भरे जाते हैं फोर्थ एग्जाम है हमारा इंडियन आर्मी की तरफ से जो है अग्निवीर रिक्रूटमेंट जिसके लिए टेंथ पास एंड ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहां पे जनरल ड्यूटी स्टोर कीपर क्लर्क टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन जैसी पोस्ट हैं जिन पे वैकेंसीज निकली हुई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज इसमें आपकी सेवेंटीन एंड हाफ यानी साढ़े सत्रह से लेकर के ट्वेंटी वन यानी इक्कीस के बीच में होनी चाहिए जीडी के लिए मांगा गया है कि आपने अपना टेंथ क्लियर किया हो मिनिमम 45 परसेंट मार्क्स से ट्रेड्समैन के लिए भी यही मांगा गया है जीडी एंड ट्रेड्समैन दोनों के लिए कि आपने मिनिमम टेंथ क्लियर किया है 45 परसेंट मार्क्स से स्टोर कीपर एंड क्लर्क के लिए मांगा गया है कि आपने मिनिमम ट्वेल्थ पास किया है सिक्सटी मार्क्स से टेक्नीशियन के लिए मांगा गया है कि आपने मिनिमम ट्वेल्थ पास किया है पी सब्जेक्ट के साथ मिनिमम फिफ्टी मार्क्स से इसके फॉर्म्स ऑलरेडी थर्टीन फेब को स्टार्ट हो गए थे लेकिन इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट ट्वेल्थ मार्च है आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कर दें क्योंकि अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं इस वैकेंसी को फिल आउट होने में मैं यहाँ पे फॉर्म फीस जो है वो रूपीज टू रहेगी और इसके ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो है मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सब बताया है कि इसमें आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा इसमें आपकी रैली भर्ती होगी जो आपको अभी सिर्फ फॉर्म फिल करने की जरूरत है बाकी चीज़ें आप बाद में कवर कर सकते हैं फिफ्थ जॉब वैकेंसी जो है ये सिर्फ ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए है और उसके बाद जो जॉब्स हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए हैं फिफ्थ जॉब वैकेंसी जो सिर्फ ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए है ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी की तरफ से ये भले ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है लेकिन ऑल इंडिया से मेन एंड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी वर्क लोकेशन आपके पूरे टेन्य में यानी जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक हरियाणा ही रहेगी ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कांस्टेबल की पोस्ट पे जॉब वैकेंसी निकली है जनरल ड्यूटी यानी जी की पोस्ट है टोटल सिक्स वैकेंसीज वैकेंसी है यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है ट्वेल्थ पास एज मांगी गई है एटीन से ट्वेंटी इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट ट्वेंटी फर्स्ट मार्च रहेगी इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी इसमें सैलरी आपकी अराउंड रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ रहेगी सो so फार हमने टोटल फाइव जॉब वैकेंसीज कवर कर ली हैं तीन और बाकी हैं हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिक्स्थ जॉब के साथ जो है ई यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे टोटल 323 वैकेंसीज हैं जिसके लिए एप्लीकेशन सेवेंथ मार्च से स्टार्ट हुई है अप्लाई करने की लास्ट डेट ट्वेंटी मार्च है क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी एज ट्वेंटी से थर्टी के बीच में आती है ये जो एग्जाम है इसको यूपीएससी खुद कंडक्ट करवाता है तो काफी प्रोमिनेंट एंड टाइमली एग्जाम ये रहेगा सेवेंथ जॉब वैकेंसी है एस एस सी सी पी ओ एस आई यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जॉब वैकेंसी इसके फॉर्म्स कब निकलेंगे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मार्च के मंथ में ही निकलेंगे जिसके लिए 20 से 25 के एज के बीच में जो कैंडिडेट्स आते हैं और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एर्थ एंड लास्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो है ए यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है इसमें टोटल 490 वैकेंसीज हैं इसकी जो एप्लीकेशन है ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ मार्च में स्टार्ट होगी लेकिन अभी इसका ए पे नोटिफिकेशन आ चुका है ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो एप्लीकेशन है ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो लेकिन आप ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके फॉर्म्स आ जाएंगे इसमें एज 18 से 27 मांगी जाएगी और क्वालिफिकेशन में मांगा जाएगा ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है यानी आपने आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में अगर अपनी इंजीनियरिंग की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी फॉर्म फीस रहेगी रुपीज़ थ्री हंड्रेड और इसमें आपको सैलरी मिलेगी अराउंड रुपीज सेवेंटी थाउजेंड तो ये थी वो आर्ट जॉब वैकेंसीज जो इस महीने निकली हुई हैं इनमें से जो जो जॉब निकल चुकी है उसके लिंक मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और जो निकलने वाली हैं जब भी उसके फॉर्म्स आते हैं तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम पर जॉब वैकेंसीज पोस्ट करना शुरू कर दिया है वो जॉब वैकेंसीज जो आपको यहाँ पर नहीं मिलती हैं क्योंकि इतनी सारी जॉब्स होती हैं कि एक दिन में आप कितनी वीडियोस डालोगे यूट्यूब पे इसलिए जो यहाँ पे कवर नहीं हो पाता वो मैं इंस्टाग्राम पे कवर कर रही हूँ मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें अगर आप करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपको अदर जॉब वैकेंसीज़ मिल जाएंगी उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई भी डाउट है इनमें से किसी भी जॉब से रिलेटेड या अगर आपके खुद के कुछ नए वीडियो रिक्वेस्ट या आइडियाज़ हैं प्लीज़ कॉमेंट्स में बताएँ